हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे सावक समा के चावल का उपमा। इसे आप नवरात्रि व्रत में भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप सावक समा के चावल, एक आलू बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 5-6 कड़ी पत्ते, 8 से 10 काजू कटे हुए, सूखा नारियल कटा हुआ, 1 टेबलस्पून मूंगफली, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा नींबू का रस, देसी घी। सावक को आधे पौने घंटे के लिए भिगो कर रख दें। काजू को और सूखे नारियल को काट लें। पैन में पानी डालें। जब पानी बॉईल होने लगे तब इसमें सावक डालें, समा के चावल जिसे हम नवरात्रि व्रत में यूज करते हैं। इसे बॉईल होने दें। बीच बीच में सावक को चेक करते रहें। जब सावक गल जाए तो गैस को बंद कर दें और सावक में से एक्स्ट्रा पानी हटा दें। कढ़ाई में देसी घी डालें, मूंगफली डालें, मूंगफली को रोस्ट करें। जीरा डालें, बारीक कटी हुई अदरक डालें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें, 5-6 कड़ी पत्ते डालें, कटे हुए काजू डालें, सूखा नारियल डालें और अच्छे से मिक्स करें। सभी चीज़ों को 1-2 मिनट रोस्ट होने तक पकाएं। अब इसमें कटा हुआ आलू डाल दें। यह कच्चा आलू है, उबला हुआ नहीं है। स्वादानुसार नमक डालें ताकि आलू हमारा गल जाए। अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डालकर आलू को गला लें और 1-2 मिनट इसे ढक के लिए रख दें। 2 मिनट बाद आप चेक करें। आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें सावक डालेंगे। अब इसमें सावक डाल दें। बारीक कटा हुआ धनिया डालें, काली मिर्च पाउडर डालें और नींबू का रस डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें।
ये देखिए टेस्टी टेस्टी सावक का उपमा रेडी है। नवरात्रि व्रत पर इसे आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और दिए गए साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। इससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं।